मेरी लाइफ वो कहानी है। हाल के दिनों में सभी बॉलीवुड कलाकार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। प्रशंसकों को हमेशा इस बात में दिलचस्पी रहती है कि उनके पसंदीदा कलाकार अपने पेशेवर और निजी जीवन में क्या कर रहे हैं। फिलहाल सुष्मिता सेन अपने इंस्टाग्राम बायो में अपने जन्मदिन की तारीख बदलने को लेकर चर्चा में है। जब एक पल के लिए इस अभिनेत्री का जन्म नवंबर 1975 में हुआ था, लेकिन सुष्मिता ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी नई जन्मतिथि लिखी है, 27 फरवरी 2023। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की जिंदगी में पिछले साल एक बड़ा हादसा हुआ। एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री को दिल का दौरा पड़ा। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इन सभी घटनाओं और जन्मतिथि में बदलाव के पीछे की वजह बताई है। इस वीडियो को एक्ट्रेस ने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। 27 फरवरी 2023 को सुष्मिता को दिल का दौरा पड़ा। एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन की तारीख बदल दी है क्योंकि इस दिन उन्हें नई जिंदगी मिली थी। अभिनेत्री का कहना है, मेरी जिंदगी एक चीज की तरह है। जैसा कि मैंने इस जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, एक दिन शूटिंग के दौरान मेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया और सब कुछ बदल गया। शूटिंग के दौरान उसी वक्त मुझे दिल का दौरा पड़ा। वो 45 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अहम थे। तब मुझे एहसास हुआ, एक चीज के रूप में मेरा जीवन खत्म होने वाला है। सुष्मिता आगे कहती है, मैं निश्चित रूप से अपने डॉक्टर को धन्यवाद दूंगी। डॉक्टरों की वजह से ही मेरे जीवन में कुछ शुरुआत हुई। उन्होंने मेरे लिए एक नई कहानी लिखी और मुझे एक नई दिशा दी। 27 फरवरी 2023, यह मेरा दूसरा जन्मदिन है क्योंकि इस दिन मेरा दोबारा जन्म हुआ था। 48 साल की सुष्मिता सेन को दिल का दौरा पड़ने के बाद एंजियोप्लास्टी की गई। पिछले साल फरवरी में आर्या 3 फीट की शूटिंग के दौरान उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था। अभिनेत्री ने यह भी कहा, उस दिन के वो 45 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे कठिन 45 मिनट थे। सुष्मिता ने पिछले साल कहा था कि मुझे जिंदगी से हमेशा प्यार था, अब भी है और हमेशा रहेगा। एक्ट्रेस इतने बड़े संकट से सुरक्षित घर लौटने के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती रहती हैं। शूटिंग के दौरान आई सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक, मेरी लाइफ के सबसे लंबे 45 मिनट। जब एक पल के लिए लगा कहानी खत्म।